Hey everyone, good afternoon. This is Paulami and welcome to my channel Bifocal Zindagi. कैसे हो आप सब? Hope you all are doing well. मैं भी अच्छी हूँ. आज Saturday है, 26th of February और दोपहर से मैं ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ. आज है मेरा बर्थडे. सो बर्थडे के दिन का ये स्पेशल ब्लॉग है और लंच का टाइम है. ये रहा मोनोजीत, यहाँ पे लंच हो रहा है. दिखाती हूँ मैं आपको लंच में क्या क्या है आज. सो लंच में है आज ये है बासंती पुलाव और साथ में है बैंगन भाजी, फिश करी और चिकन. फिश करी और चिकन दोनों मनोजीत ने बनाया है और बैंगन भाजी मैंने किया है और पुलाव मैंने किया है. स्पेशल बर्थडे लंच ये मतलब मैंने सोचा कि भाई खाना नॉनवेज ठीक ठाक अच्छा बना लेता हूँ मैं, तो बर्थडे तो वैसे ही स्पेशल होता है सबके लिए, तो मैंने ट्राई किया. देखते हैं कैसा रिव्यू आता है बीवी जान से. तो अभी हम लोग कर लेते हैं लंच और पीछे आप देख सकते हैं डेकोरेशन वगैरह. तो रात का सेलिब्रेशन क्या क्या हुआ हम लोग जब तक लंच करते हैं आप वो देख के आओ, पूरे रात का सेलिब्रेशन डेकोरेशन वगैरह सब कुछ. और उसके बाद शाम में हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, तो क्या क्या होता है वो आगे ब्लॉग में आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे. सो कीप वॉचिंग. मनोजीत सर कर रहे हैं, मैं थोड़ा डिनर बना रही थी तो बीच में आई कि दिखाती हूँ क्या चल रहा है. तो ये देखिए चल रहा है थोड़ा बहुत डेकोर. ऐसा लगा दो. हाँ अच्छा लग रहा है. लगाओ अच्छा ही लग रहा है. इसको ऐसे लगा देता हूँ. हाँ लगाओ. चलो इधर चल रहा है डेकोरेशन और मैंने थोड़ा बहुत हेल्प किया. उसके बाद मैं चली गई डिनर बनाने के लिए और यही कर रहा है. फाइनली 12 बज चुका है और मैं रेडी हो गई हूँ. रेडी मतलब क्या, जस्ट एक नया टी शर्ट है तो वही पहन लिया और ये भी मनोजीत लाया है मेरे लिए तो ये पहन लिया. और थोड़ा सा और ये रहे सर, ये आपके लिए केक. तो ये केक लेके आया है. अभी केक कटिंग होगा हम दोनों का, छोटा सा सेलिब्रेशन. दोनों का क्या होगा मतलब मेरा. And have a look at the cake. बहुत सुंदर केक इसने ऑर्डर किया है. और ये रहा हमारा डेकोरेशन.
अच्छा है। मस्त केक मोनोजीत ने ऑर्डर किया था। थैंक यू। सो केक कटिंग हो गया फाइनली और बहुत यमी केक है। अच्छा केक था और बहुत अच्छे से हम दोनों ने छोटे मोटे तरीके से सेलिब्रेट किया जो आपने देखा ही होगा। इस वक्त हम लोग के साथ आप लोग हो और मतलब और हम लोग ये हम दोनों ही हैं यहाँ पे, तो कोई है नहीं हमारा, तो आप लोगों के साथ ही शेयर कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। तो आज का रात का छोटा सा ये ही सेलिब्रेशन है हम लोगों का। कल बर्थडे वाले दिन कुछ कुछ होगा है ना, कुछ होगा, घूमने जाएंगे, घूमने भी जाएंगे, मैं ट्रीट दूंगी इसको, लेना तो बनता है इनसे। तो वही है, ट्रीट लेंगे और कहाँ लेते हैं, कहाँ घूमते हैं, शेयर करेंगे आपके साथ। और एक बात, ये टी शर्ट जैसे गिफ्ट है और आप सोच रहे होंगे और क्या गिफ्ट है, तो मैं लास्ट ब्लॉग में आपको बताई थी ना कि मैं बहुत अच्छा एक साड़ी खरीद के लेके आई हूँ, तो बोली थी कि बताऊंगी नेक्स्ट कि क्या पर्पस में मनोजीत ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, तो वो बर्थडे गिफ्ट ही था। उसने मुझे पूछा था कि मुझे क्या चाहिए, तो मैंने बोला कि मुझे एक अच्छा सा साड़ी चाहिए क्योंकि सामने एक फंक्शन है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो उसमें भी मुझे पहनना है, तो इसलिए मैंने बोला कि मुझे इस वक्त सिर्फ एक साड़ी चाहिए, लेना है मुझे। बहुत शौक था मुझे बहुत दिन से उस टाइप के साड़ी का, तो अगले किसी एक वीडियो में तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी ही। बहुत बहुत पसंद आया मुझे वो गिफ्ट, तो वो एक गिफ्ट है जो कि आज मैं नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि वो टेलर के पास है, और ये वाला टी शर्ट जो वो अभी ऑफिस से आते वक्त लेके आया, तो मैं ये पहन के केक कटिंग कर ली। सो दिस इज आवर स्मॉल छोटा सा सेलिब्रेशन। हे गाइस, अभी शाम हो चुका है और ये देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये रहा मनोजीत, ये भी रेडी हो चुका है, दोनों ने ब्लैक पहना है, ब्लैक में आज। और अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए, तो चलिए चलते हैं और वहाँ जाके जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मेरा फुल ड्रेस भी दिखाने की कोशिश करूँगी कि क्या पहना है मैंने। इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा अच्छा कोट्स लिखा हुआ था और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, थोड़ा ओल्ड टच दिया हुआ था, तो मुझे ये तो बहुत अच्छा लगा। और एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था, एक तरफ रेस्टोरेंट था, एक तरफ पब था, तो बहुत ही अच्छा था, गुड क्राउड ऑल टुगेदर, तो हम दोनों ने तो बहुत ही एंजॉय किया। तो चलिए आपके साथ भी शेयर करती हूँ क्या क्या था, थोड़ा बहुत जो भी हुआ मैं कोशिश की कि कैप्चर करूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे जो गिटार रखा हुआ है, यहाँ पे एक सिंगर गाना गा रहा था, इतना अच्छा गा रहा था ना क्या बताऊँ। हम दोनों ने थ्रू आउट पूरे नाइट बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा एम्बियंस था। और आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे सिंगर गाना गा रहा है, मैं वो दिखा मतलब सुना नहीं पा रही हूँ आप लोगों को, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन क्या गा रहा था ना बंदा, मस्त एकदम, और पूरा क्राउड उसके साथ गा रहा था और एंजॉय कर रहा था, तो हम दोनों ने भी बहुत एंजॉय किया, बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये आ गया हमारा खाना, यहाँ पे चिकन का कोई एक अफ़गानी डिश ऑर्डर किया था और साथ में लिया था पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा एक तरफ चिकन था एक तरफ एग पिज़्ज़ा था, बहुत ही बढ़िया इन लोगों ने पिज़्ज़ा बनाया था, मतलब मैं तो बोलूँगी डोमिनोज पिज़्ज़ा हट से भी अच्छा पिज़्ज़ा इन लोगों का था, मुझे पर्सनली और मनोजीत दोनों को ही बहुत अच्छा लगा।
साथ में बहुत सारा फ़ोटो भी हम दोनों ने खिंचवाया, तो चलिए आप लोगों के साथ ये फ़ोटो भी मैं शेयर कर देती हूँ। तो उसके बाद हम लोग वापस घर चले जाते हैं। आते बहुत लेट हो गया था, करीब 12-12 बज गया था, इसलिए मैंने और ब्लॉग को एंड नहीं किया। मतलब उसके बाद आने के बाद ना और मन भी नहीं कर रहा था कि ब्लॉग कंटिन्यू करूं। तो बहुत मज़ा किया हम लोगों ने, बहुत एक अच्छा रेस्टोरेंट में गए थे और एम्बियंस काफ़ी अच्छा था। एक लड़का था तो बहुत अच्छा गाना गा रहा था और सब लोग एंजॉय कर रहे थे। मैंने और मनोजीत ने भी बहुत बहुत एंजॉय किया। तो मेरा बर्थडे ऑल टुगेदर बहुत बहुत अच्छा गया, मतलब परसों रात से लेके कल रात तक बहुत बहुत अच्छा था सब कुछ। एंड थैंक्स टू दिस मैन कि उसने भी सारा कुछ अरेंजमेंट वगैरह किया, कहाँ जाना है, हम लोग कहाँ जाके सेलिब्रेट करेंगे, सब कुछ इसने ही डिसाइड किया था। बहुत अच्छा जगह लेके गया और एम्बियंस बहुत अच्छा था। बर्थडे बहुत सक्सेसफुल गया, बर्थडे पार्टी। पार्टी तो स्पॉन्सर इन्होंने किया, मैंने सिर्फ फैसिलिटेट किया, दैट्स ऑल। और बहुत मज़ा आया, हम दोनों ने बहुत बहुत एंजॉय किया। अभी आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। हाँ, आपके साथ पूरा परसों से कल तक हमने क्या क्या किया ये ब्लॉग में हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। और अगर चैनल में नए आए हो, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हो और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और उसके पास जो बेल बटन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है, जितना भी शेयर कर सक रहे हैं हम लोग कर रहे हैं आपके साथ। सो प्लीज़ सपोर्ट अस। मिलते हैं फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए एंड कीप वॉचिंग बाइफोकल जिंदगी।